हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेस्टी रेसिपी में। आज यहाँ बनने जा रहा है सूजी का नया नाश्ता। और ये मैंने दो बॉयल आलू ले लिए हैं, ऐसे छोटे छोटे पीस में कट कर लिए हैं, और तीन हरी मिर्च और एक इतना छोटा अदरक। इन सभी को मैं इसमें बस एक चम्मच पानी डाल देंगे और इन सभी को ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है, इसी तरह का पेस्ट चाहिए हमें। यहाँ मैंने एक कप सूजी ले लिया है, इसे मैं डाल दूँगी। मेरा अदरक कटा नहीं था तो मैंने उसे फिर से थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 10 मिनट हो गया है इसे रेस्ट पे रखे हुए। और अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च, काली मिर्च, भुना हुआ जीरे पाउडर, इतना चुटकी भर गरम मसाला, चुटकी भर काला नमक, स्वाद अनुसार नमक। नमक कम ही डालेगा क्योंकि काला नमक डाले हैं तो ज़्यादा ना हो। चुटकी भर हींग, जरा सा हल्दी पाउडर, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो वो भी डाल दीजिए। और अब हम बैटर को भर लेंगे, कोई भी ऐसे पॉलीथीन ले लीजिएगा। सारा बैटर इसमें भर देंगे। भरने के बाद इसे ऊपर से एक कसकर रबड़ लगा देंगे ताकि बैटर बाहर से ना निकले। उसके बाद फ्राई करते समय इसका कोन बन जाएगा तो कोन कट कर देंगे, उसके बाद तलेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बैटर निकाल के और कैंची से कट कर देंगे। और जब बैटर डालेंगे तो फ्लेम हाई कर देंगे, और जब सब डाल देंगे बैटर तो उसके बाद फ्लेम को लो टू मीडियम करके फ्राई करेंगे।
और गाइस अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अभी मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। उसके बाद एकदम गोल्डन ब्राउन होने के बाद एकदम से क्रिस्पी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। एक बार ज़रूर बनाइएगा। कैमरे में शायद उतना अच्छा दिख नहीं रहा है लेकिन जब बनाकर खाइएगा तो बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार ज़रूर बनाइए। ये देखिए गाइस मैंने सब फ्राई कर लिया है और देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है।